ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल आर्कियोलॉजी सर्वे के फैसले पर स्टे लगाया गया है। वाराणसी के जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी समेत विश्वनाथ मंदिर परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। यह आदेश 8 अप्रैल को दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी पक्ष की ओर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजद हाई कोर्ट गए थी। कोर्ट ने इस पर कहा है कि जब मामला न्यायालय में है तो इस पर सर्वेक्षण की इजाजत क्यों दी गई है। 8 को ये आर्डर रिजर्व किया गया था इस आदेश पे कि वहाँ की जो सिविल कोर्ट बनारस ने वाराणसी ने जो आर्डर किया था कि ये SI सर्वेक्षण होगा इसका, उसी के उस आर्डर को चैलेंज के लिए यहाँ पे माननीय न्यायालय हम आए हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि अभी उसको स्थगित किया जाए, अभी उस पर स्टे किया जाए, क्योंकि 1991 में जो एक्ट है उस एक्ट के अकॉर्डिंग 1947 के पहले जितनी भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो जिस स्थिति में हो उसी यथा स्थिति में बना रहेगा। कानपुर के नगर निगम जोन 6 के अवर अभियंता और सुपरवाइजर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि इस वीडियो में रिश्वत के पैसों का बंटवारा किया जा रहा है। वीडियो में अवर अभियंता सुपरवाइजर को पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि नगर निगम जोन 6 के अवर अभियंता अरुण शर्मा हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर से एक मामला सामने आया है। यहां दबंग द्वारा कराए गए निर्माण कार्य को तहसील प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। दरअसल यहां अति प्राचीन ठाकुर द्वारा है। ठाकुर द्वारा के अंदर विशाल मंदिर है, इसमें भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में रखरखाव के अभाव में नशेबाजों का जमावड़ा लगा रहता है। इतना ही नहीं, बेशकीमती जमीन पर कई माफियाओं की निगाह है। कुछ लोगों ने ठाकुर द्वारा की ओर जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण कर अपनी दुकान बना ली है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन की ओर से दुकान कर रास्ता साफ करा दिया गया है। कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने अजीबोगरीब ढंग से प्रदर्शन किया। सपा वर्कर्स ने मच्छरदानी ओढ़कर उर्सुला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। सपा वर्कर्स ने आरोप लगाया है कि कानपुर में डेंगू मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आप और हम हो सकता है मच्छरदानी के अंदर सो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से परिवार, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये मच्छरदानी भी मैसूर नहीं है। बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, वो सारे अच्छे दिन देख लिए, लाइन में लग रहे हैं। हम उसके साथ हमदर्दी रखते हैं। जब सरकार बनी थी तो एक नहीं, आज आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे इस धरने से बैठे हुए हैं। जब यहाँ धरना है तो महत्वपूर्ण मुद्दे पे तो खामोशी के साथ आराम से बैठिए। गोंडा के कोतवाली नगर स्थित अंबेडकर चौराहे पर एक महिला ने एक ट्रक चालक को बुरी तरह से पीटा। चालक अपनी गलती पूछता रहा, लेकिन महिला उसे बेरहमी से पीटती रही। इस दौरान जब होमगार्ड ने बीच बचाव किया, तब जाकर महिला ने ट्रक चालक को छोड़ दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।